The question is, construct an equilateral triangle whose altitude is 4 cm. Give justification for your construction. हमें यहाँ पर एक equilateral triangle draw करनी है, construct करनी है, जिसका जो altitude है वो हमें 4 cm given है. हमें side given नहीं है, हमें altitude given है, यानी कि इसके vertex से जो हम perpendicular draw करेंगे opposite side पर, उसकी length 4 cm है. और एक चीज़ हमें यहाँ पर पता ही होगी कि ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट? ये भी 60 होगा. अब बात ये है कि आपको ये 60 पता है, ये 60 पता है, लेकिन BC की लेंथ तो नहीं है ना. अगर BC की लेंथ ही होती तो आपको एंगल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर लेते. बट इसने ऑल्टीट्यूड की लेंथ दी हमें. तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर है कि यहाँ 90 होगा. दूसरी बात ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास जो ऑल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है और वही एंगल का बाइसेक्टर भी होता है. यानी कि ये जो ए एंगल है ये उसे बाइसेक्ट भी करेगा. तीनों लाइंस जो है वो सेम होती हैं. तो इट मींस जो ए एंगल है वो यहाँ पर बाइसेक्ट हो चुका है. अब ए कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का था. तो मींस यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ पर भी 30 डिग्री है. तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, राइट? तो अब देखो BC की लेंथ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कोई भी लाइन ले लो. कोई भी लाइन हमने ले ली XY. मुझे ये पता है कि D पॉइंट, ये AD 4 सेंटीमीटर है और D पॉइंट पे 90 डिग्री है. तो आप कहीं पर भी यहाँ पर एक D पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है? D पर बनाएंगे हम 90 डिग्री का एंगल. तो यहाँ पर बनाते हैं हम 90 डिग्री का एक एंगल. राइट, सपोज ये ई पॉइंट है. अब इस डी ई पर आपको कट ऑफ करना है 4 सेंटीमीटर. तो विद द हेल्प ऑफ अ रूलर आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ एक कट लगा लो, ठीक है? अब हमें नहीं पता ना कि यहाँ पर कैसे ज्वाइन करना है, बी और सी कैसे आएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि ये दोनों यहाँ पर 30-30 डिग्री के एंगल बन रहे हैं. तो क्या हम अगर इस ए पॉइंट पर 30 डिग्री एंगल यहाँ भी बनाएं और यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बना दें तो हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो सकती है, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पर बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल बोथ साइड. इस तरफ नहीं बनाना आपको, आपको डाउनवर्ड तरफ बनाना है, ठीक है? तो पहले यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हो, बट कोशिश ये करना कि आप इसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो खुद. ये हमारा 60 होगा, 60 से फिर हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा ये, और ये एक्स वाई को बी पॉइंट पर कट करेगा. सिमिलरली आप इस तरफ भी बनाओ, सेम रेडियस ही रख लो. ये आएगा आपके पास 60 एंड इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30. ये सी पॉइंट आ जाएगा. तो ये भी 30, ये भी 30, ये 60 हो गया. ये अपने आप ही 60 आएंगे. इसे हम जस्टिफिकेशन में देखेंगे कि 60 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो इस टाइप से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्ट करने के बाद, यानी कि जब एक्चुअली आप कंस्ट्रक्ट करोगे हेल्प विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपस, तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप की नज़र आएंगे, ठीक है? तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है. सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी एक्स वाई, फिर हमने उस पर एक डी पॉइंट लिया, फिर फ्रॉम डी हमने ड्रॉ किया डी ई परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, देन फ्रॉम डी कट ऑफ डी ए 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर कट ऑफ की, राइट? फिर हमने क्या किया, हमने दो एंगल बनाए हैं 30-30 डिग्री ए पॉइंट पर, डी ए बी एंड डी ए सी, दोनों 30-30 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किए जो एक्स वाई को बी और सी पर मिल रहे थे. देन ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? तो जस्टिफिकेशन में हमें ये देखना है कि तीनों एंगल 60 आ रहे हैं नहीं आ रहे. ये तो चलो 60 है ही है, एंगल ए कंस्ट्रक्शन की वजह से 60 ही था, और ये भी यहाँ पर 90 है, ये भी पता है हमें. एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, ये 90 है, ये भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है? तो अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा. मीन्स एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से. तो जो वैल्यूज है हम पुट करते हैं
बी ए डी 30 डिग्री है, ये 90 है, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, देयर फोर एंगल बी 90 प्लस 30 120 माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 60। सिमिलरली आप दूसरी ट्राइंगल लोगे राइट साइड पे ए डी सी, तो सेम यहाँ से भी हमारे पास एंगल सी जो है वो 60 आ जाएगा। तो तीनों एंगल हमारे पास 60 आ गए, तो इट मीन्स ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।